नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभकांत। आप सबको हमारा यूट्यूब चैनल गूगल सवाल पे स्वागत है। अभी हम पहुंचने वाला है कन्याकुमारी। विद थोड़ी देर में हमारा स्टेशन आ जाएगी। बस आज हम पूरा घूमेंगे कन्याकुमारी और आपको हम पूरा अपडेट करते रहेंगे अबाउट कन्याकुमारी। तमिलनाडु के कन्याकुमारी को पहले केप कैमरन के नाम से जाना जाता था। यह एक शांत शहर है। शहर का नाम देवी कन्याकुमारी के नाम पर पड़ा है, जिन्हें भगवान कृष्ण की बहन माना गया है। यह जगह चोला, चेरा, पंडवा और नायका राज्यों का घर रहा है। हमारा होटल प्री बुकिंग था। हम होटल पहुंचने के बाद नहा धोकर माता कन्याकुमारी देवी, जो भगवती अम्मा टेम्पल है, उसे घूमने के लिए गए। आप देख सकते हो यहाँ का भीड़ बहुत ज़बरदस्त थे, क्योंकि हमने वीकेंड पे गए और ज़्यादातर लोग वीकेंड पे आते हैं घूमने के लिए। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ का जो रिचुअल्स है, कोई भी पुरुषों जाने से पहले उनके शर्ट और टी शर्ट बनियान निकालना पड़ेगा। मुझे पता नहीं ये रिचुअल्स क्यों है, कब हुआ था, लेकिन जो भी है हम उसको रिचुअल को रेस्पेक्ट करते हुए आगे निकले। भगवती माता के दर्शन करने के बाद उनके बगल में है गांधी मेमोरियल, जो कि 100 मीटर के दूरी पर है समुद्र किनारे के पास। हमने गए उसके अंदर घूमने के लिए। आप देख सकते हो यहाँ का गांधी मेमोरियल जो भी है, यहाँ के जाने के लिए कोई एंट्री फी नहीं है और जाने से पहले आपको आपका शूज़ निकालना पड़ेगा, क्योंकि शूज़ अलाउ नहीं था। चलिए आगे देखते हैं इसका अंदर क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर भी देख सकते हो बहुत सारा जो कि पेंटिंग किया गया और पूरा महात्मा गांधी का पूरा डिटेल्स उधर रखा गया था, ताकि दूसरों को पता चले उनके लाइफ पे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। गांधी मेमोरियल घूमने के बाद हमने होटल चले, और मैं आपको बता दूँ यहाँ तक ज़्यादातर लोग ऑटो या कोई प्राइवेट व्हीकल का सवारी नहीं लेते, ज़्यादातर लोग बस पे लेते हैं। और ये बस सुविधा सारी होटल के पे अवेलेबल है, और जाने से पहले पर पर्सन आपको देना पड़ेगा 250 रुपीज़। और ये दिन में दो बार जाती है बस, सुबह 9 बजे और दोपहर को 3 बजे। आपको 6 या 7 साइट सीन दिखाएगा, जो कि 2.5 घंटा का टाइम है। आपको 2.5 घंटे में पूरा का पूरा कवर करना पड़ेगा, और आपको फिर से होटल में छोड़ देगा। आप जहीं पे जहाँ पे होटल रहते हो उधर ही आपको छोड़ देगा। हमारा पहला साइट सीन था जो कि मायापुरी वैक्स म्यूजियम। यहाँ पे जाने के लिए एडल्ट के लिए लगता है पर पर्सन 100 रुपीज़, और बच्चों के लिए फ्री है।
वैक्स म्यूजियम के अंदर बच्चे के खेलने के लिए बहुत सारा आइटम बनाया गया है और 3D पेंटिंग है, और मैं भी मेरे बेटी के साथ बहुत सारा खेल आप देख सकते हो। मुझे कुछ ही समय के लिए मेरा बचपना याद आ गया और मैं कुछ हरकत करने लगे। आप देख सकते हो यहाँ पे पेंटिंग लाजवाब है। वैक्स म्यूजियम घूमने के बाद हमारा सेकेंड साइट सीन था भारत माता टेम्पल। मैं आपको बता दूं, भारत माता का अंदर मोबाइल अलाउ नहीं था। ये पूरा रामायण के आधारित पे है, पूरा तस्वीर है और तीनों लैंग्वेज पे है, जैसे कि तमिलनाडु पे तमिल और हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज पे पूरा आधारित है। आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि यहाँ पे जो है कलाकृति और यहाँ पे जो साइट सीन के लिए बहुत सारा गार्डन था घूमने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारा गार्डन था और स्टैचूज था। ये बहुत ही खूबसूरत लगा और बच्चों के टाइम पास के लिए भी ये अच्छा पॉइंट है और अच्छा प्लेसेस भी है। भारत माता के बगल पे है विवेकानंद पिक्चोरियल एग्जीबिशन। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा विवेकानंद का स्टैचू है और किताब है और बहुत सारा चीज़ें देखने के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे जो विवेकानंद स्टैचू है और पूरा डिज़ाइन है, ये बहुत खूबसूरत है। भारत माता दर्शन के बाद हमने गए जो तीसरा साइट सीन था साई मंदिर। आप देख सकते हो यहाँ का साई मंदिर, आपको ऐसे लगेगा आप शायद कोई मूवी देख रहे हो, क्योंकि पूरा ऐसा ही है व्यू आपको नज़ारा मिलेगा जो साई मंदिर पे। चलो साई मंदिर पे अंदर घूमते हैं। साई मंदिर घूमने के बाद हमारा चौथा जो कि था सचिंद्रम। मैं आपको बता दूं, सचिंद्रम के जाने से पहले भी सारी पुरुषों को टी शर्ट शर्ट और बनियान निकालना पड़ेगा। यहाँ पे भी पूरा भगवती मंदिर जैसा रिचुअल्स है और आप देखते हो। चलो आगे मिलते हैं सचिंद्रम पे। देख सकते हो ये सचिंद्रम पे हमने जब गया, भगवान का आलती का समय था, इसीलिए एक बंदा यहाँ का ढोलकी बजा के जा रहे हैं। और उसके बाद हमने गए जो कि वेंकटेश्वर टेम्पल, जो कि अभी अभी रिसेंटली इनाग्रेट हुआ था। आप देख सकते हो उसका जो नज़ारा है ये भी बहुत अच्छा है। ये ऊपर का व्यू अगर आप जाओगे तो आपको दिखेगा पूरा गांधी मीनार और
समुद्र का व्यू आपको मिलेगा। चलो ऊपर हम मिलते हैं। वेंकटेश्वर स्वामी दर्शन करने के बाद हमने चले स्वामी विवेकानंद मेमोरियल। वो जाने से पहले आपको बोट का सवारी लेना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ का भीड़, शायद उसी दिन मोर देन 2000 लोग थे लाइन पे। हमने 2 घंटा लगा टिकट लाने के लिए, और टिकट के लिए पर पर्सन है 50 रुपीज़ है पर पर्सन। और यहाँ पे स्पेशल लाइन भी था, स्पेशल टिकट के लिए 250 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। हालांकि आपको भी लाइन पे आपको खड़े रहना पड़ा। हमको शायद लगभग 2 घंटे से ज़्यादा हमें लाइन पे खड़े रहे, उसके बाद हमारा नंबर आ गया। अभी देखो फिर भी हम जा रहे लाइन पे। ये रहा बोट, इसी बोट पे हम जाएंगे। और आप देख सकते हो कितना सारा लाइन है और इंतज़ार कर रहे हैं बोट आने के लिए। आप देख सकते हो ये बोट आ रही है, इसी बोट पे हम जाने वाले हैं। बोट से जाने से पहले आपको सेफ्टी को नज़र के रखते हुए आपको दिया जाएगा एक सेफ्टी जैकेट, जो आपको मैंडेटरी पहनना पड़ेगा। और आप देख सकते हो यहाँ पे इतना सारा लोग गए थे, सीट से ज़्यादा लोग भी खड़े रहे थे। आप देख सकते हो जितना कैपेसिटी था 180 कैपेसिटी था उस बोट के अंदर, फिर भी ज़्यादातर लोग खड़े रहते हैं क्योंकि भीड़ ज़बरदस्त था इसलिए। और भी बोट इतना भी सफिशिएंट नहीं था जाने के लिए, बस जितना भी था हम एडजस्ट करके गए। और आप देख सकते हो ये समुद्र का व्यू और वल्लुवरपुट्टम का स्टैचू का नज़ारा। चलो देखते हैं।
यहाँ पे ज़्यादातर लोग सनसेट और सनराइज दोनों देखने के लिए आते हैं। हम अभी सनसेट देखने के लिए वेट किए, अभी कुछ ही देर के बाद सूरज ढलने वाले हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे बता दूँ, शूज़ अलाउ नहीं है, आपको शू उतरना पड़ेगा और आपको लॉकर रूम पे आपको रखना पड़ेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना सारा लोग है और सब लोग मज़ा कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं सनसेट को। जब सनसेट हो जाएगा उसका नज़ारा कुछ और ही मिलेगा। ये आप देख सकते हो कुछ व्यूज़ है फ़ोटोज से हम जो लिया है। और एक घंटे डेढ़ घंटे के बाद हम फिर वापस आ गए। बस यहाँ तक हमारा जर्नी था। अभी रात हो गई और हम वापस होटल पे चलेंगे। अगले मॉर्निंग सुबह 10 o'clock हमारा रिटर्न था, जो कि कन्याकुमारी एक्सप्रेस, कन्याकुमारी से KSR बेंगलोर हमारा जो ट्रेन था 10 बजे। अभी आप देख सकते हो ये रहा कन्याकुमारी का रेलवे स्टेशन, जो कि लाजवाब रेलवे स्टेशन था एक। और चलो स्टेशन के अंदर मिलते हैं। बस उसी दिन वो गाड़ी पूरा खाली गया था और स्टेशन भी पूरा खाली खाली था। चलो ट्रेन के अंदर मिलते हैं और ट्रेन का यात्रा कैसे रहा मैं आपको आगे बताते रहूँगा। चलो ट्रेन के अंदर मिलते हैं। बस हम लोग 2 घंटे से पहले पहुँच गए ट्रेन जाने से पहले। ट्रेन जाने वाली थी 10:30 बजे, लेकिन हमने पहुँच गए 8:30 बजे। उस टाइम पे लगभग कोई नहीं थे, बस एक बंदे थे जो कि सफाई किए थे, बस उससे पहले हम पहुंच गए। और कन्याकुमारी से लगभग अगले स्टॉपेज तक कोई भी नहीं गया, बस हम तीनों गए और कंपार्टमेंट में कोई नहीं थे। हम लोग पूरा मस्ती किए और ज़्यादातर हमने वीडियो देखा उसी टाइम पे। आप देख सकते हो मेरा बच्ची जो है अभी अम्ब्रेले के साथ खेल रही है, क्योंकि वो सोच रहे बस ये मुझे खेलने के लिए एक जगह मिल गया, जो कि आपको बस में आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा सीट खाली है, कोई भी नहीं है। लेकिन हालांकि ये ट्रेन खाली नहीं गया बेंगलोर तक, पूरा ट्रेन पूरा फील हो गया था, लेकिन 2-3 स्टेशन के बाद कन्याकुमारी से जो कि नेक्स्ट 2-3 स्टॉपेज था, तब तक ये ट्रेन खाली गया, उसके अंदर कोई भी नहीं था। बस हमारा कन्याकुमारी से बेंगलोर हमने 3rd AC पे टिकट बनवाया था। और यहाँ पर जो ट्रेन का अंदर बहुत सारा सफाई की नज़र रखते हुए पूरा क्लीन था। और हमने सोचा अभी कोई नहीं है तो क्यों ना हम एक नया मूवी देखेंगे, तो हमें ट्राईपॉड पे आराम से ब्रह्मास्त्र मूवी देखे और हमारा जो टाइम था अपने आप चले गया। और मैं आपको बता दूँ, इसी ट्रेन पर पैंट्री का सुविधा नहीं था, क्योंकि ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं बाहर के खाना। हमने एक कर्मचारी को पूछा जो कि रेलवे पे काम कर रहा था, उन्होंने बोला कि पहले था, लेकिन कुछ ही साल पहले ये पैंट्री को ये ट्रेन से निकाल दिया गया।
इसीलिए हमने बाहर में खाना मंगाया जो कि 120 रुपीज़ में वेज था। आप देख सकते हो बहुत अच्छा टेस्ट है। बस अगले मॉर्निंग सुबह 4:30 बजे हम पहुंच गए व्हाइट फील्ड रेलवे स्टेशन। ये देख सकते हो हम अभी उतर गए ट्रेन से और ट्रेन में निकल पड़ी केसर बेंगलोर तक। बस यहाँ तक हमारा जर्नी था जो कि हमने इंडियन रेलवे को चूज़ किया था और हमारा सफ़र अच्छा था। अभी आप देख सकते हो जो गूगी है उनके मम्मी से पीछे दौड़ रही है घर को जाने के लिए। आप मैं बता दूँ जो ग्रीन कलर बिल्डिंग दिख रही है ये हमारा बिल्डिंग है। और बस हमारा ट्रैवल जर्नी इधर से ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले न्यू वीडियो पे जो कि ट्रैवल वीडियो होने वाले हैं। तब तक हमारा चैनल को देखते रहे। अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारा चैनल को सपोर्ट करिए ताकि हम आगे आपको ऐसे मज़ेदार वीडियो देते रहे। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।